शाही पनीर बनाने के लिए मैंने बड़े साइज़ के 4 प्याज ले रखी है, जिसे मैंने चॉप कर रखी है। और ये 3 से 4 टमाटर है छोटे बड़े। ये बड़ी बड़ी लहसुन की कलियां हैं, 5-6 हरी मिर्च और एक टुकड़ा अदरक का, जिसकी मैंने बारीक टुकड़े कर रखी है। 10-12 काजू है। बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, कढ़ाई में हम 2 चम्मच घी डालेंगे। काजू ऐड करेंगे। घी में काजू को थोड़ा रोस्ट कर देंगे, इससे इसकी फ्लेवर अच्छी आती है। काजू को साइड करेंगे और यहाँ प्याज ऐड कर देंगे और यहीं पे लहसुन भी डालेंगे। काजू, प्याज और लहसुन तीनों फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे अदरक और मिर्च, इसे भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। और अब टमाटर ऐड कर देंगे। नमक डालेंगे साथ साथ में, मिक्स करेंगे। आधे गिलास पानी डाल देंगे, इसे अच्छा से मिक्स कर देंगे, पानी और सारी सब्जी। अब इसे ढक के सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। 2 तेज़पत्ते डाल देंगे खुशबू के लिए और इसे मिक्स करके इसे भी ढक देंगे के 5 मिनट बाद ही सारे टमाटर प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसे थाली में निकाल के ठंडा कर लूँगी मैं। प्याज और टमाटर ठंडे हो चुके हैं, अब इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे जार में और इसकी फाइन प्यूरी तैयार करेंगे। ग्रेवी के लिए प्यूरी तैयार हो गई है। बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख रखी है, इसमें मस्टर्ड ऑयल 1 बड़ी चम्मच, 1 तेज़पत्ता और प्यूरी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उबाल आने लगी है तो पानी की वजह से छींटे आ रही, इसे ढक देंगे। यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम कम कर रखी है। मसाले ऐड करेंगे। ये है धनिया पाउडर 2 चम्मच, मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, थोड़ा सा और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और अब सबको मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम कम ही रखेंगे कि मसाले ना जले, और अच्छे से इसे मिक्स करके ढक देंगे। तब तक ये 200 ग्राम पनीर है, जिसकी मैं पीसेस में कट कर रही हूँ। पनीर कट हो चुकी है, मसाले चेक करते हैं। ये गरम मसाले हैं जो मैंने आधी पैकेट डाली है। 3 से 4 चम्मच खोआ है, जिसे मैंने घर पे बना रखी है। इसे ग्राइंडर जार में डालेंगे। काजू ग्रेवी में भी है और ये मैंने खोआ के साथ 3 काजू डाली है। अब इसको पेस्ट बना लेते हैं। ये काजू और खोआ का पेस्ट है, जिसे मैंने मसाले पक जाने के बाद डाली है। इसमें अब थोड़ा पानी डाल देंगे और अब इसे मिक्स करेंगे और पनीर ऐड कर देंगे। और अब बस मिक्स करेंगे और शाही पनीर तैयार है। पर मुझे थोड़ा थिक लग रहा है, इसलिए मैं पानी ऐड करूंगी इसमें 1 गिलास। पानी डालने के बाद मिक्स करके और इसको उबाल आने तक ढक के पकाएंगे। शाही पनीर बनके तैयार हो गई है। ये ताजी मेथी है, जिसे मैंने तवे पे भून ली है, और इसे मसल के डाल देंगे ऊपर से। और अब गैस बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और
क्रीमी शाही पनीर बनके तैयार हो। अब आपकी मर्जी नान रोटी चावल जिसके साथ खाए। अब मैं सर्व करती हूँ प्लेट में। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।